नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। खबर शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए TV20 न्यूज। आजमगढ़ के लालगंज देवगांव कोतवाली में मुख्य कस्बा में चल रही रामलीला में बुधवार की रात को बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि देर शाम को जब रामलीला के शुरू होने का समय था, तभी जो भीड़ जुटाने के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान स्थानीय युवक महिला के बीच में डांस कर रहे थे। तभी वहां पर मौके पर देवगांव कोतवाली में तैनात दरोगा पहुंच गए। उन्होंने गाना और डांस रुकवाने का निर्देश दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक दरोगा जी सीधे स्टेज पर पहुंच गए और डांसर को डपट कर डांट हटाने लगे। इसके बाद गीत संगीत रुक गया। दरोगा का रूप देखकर स्थानीय दर्शक जो वहां मौजूद थे वो बौखला गए। स्टेज पर जूता पहनकर चढ़ने के नौ लोगों ने नाराजगी थी। रामलीला सुरकने की अफवाह के बाद वहां सैकड़ों की भीड़ लग गई और जय श्री राम के नारे शुरू हो गए। इसके बाद देवगांव त्रिमोहानी को लोगों ने बैठकर कार्रवाई न होने तक रामलीला बंद करने का ऐलान कर दिया। खबर लगते ही प्रशासनिक कमरे में खलबली मच गई। मौके पर सीओ लालगंज समेत देवगांव कोतवाली व अन्य आसपास के थानों की फोर्स पहुंच गई। उधर दरोगा जी भी भीड़ का रौद्र रूप देख मौके से भागे और एक घर में जाकर शरण लिए। मौके पर पुलिस अधिकारी की सुनने को लोग तैयार नहीं थे। इसके बाद लालगंज भाजपा जिलाध्यक्ष श्री श्रीकांत राय भी पहुंचकर लोगों को समझाया और अधिकारियों से बातचीत के बाद रामलीला स्टेज से दरोगा जी को लाइन हाजिर होने की बात कही गई, जिसके बाद लोगों को शांत हुआ और किसी प्रकार से रामलीला का मंचन शुरू हुआ। को मैंने देखा भी सुना भी, मैं भी अपने अनुष्ठान को छोड़ के आपके बीच में हूं। हम सब तो उस संस्कृति के परिचायक है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए एक नहीं पांच पांच सरकारें कुर्बान करने वाले लोग। हमारे लिए समाज और आस्था दोनों मायने रखता है। किसी की कोई गलती हो सकती है, गलती क्षम्य है तो क्षम्य की जाएगी, गलती क्षम्य नहीं है, अपराध क्षम्य नहीं है तो क्षम्य नहीं किया जाएगा। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो मैंने भी देखा, कुछ अधिकारियों से मैंने बात किया। आजमगढ़ से खबर है जहां डीजल और पेट्रोल की महंगाई का असर अब दिखने लगा है। पूर्वांचल में 3 गुना तक सब्जियों और खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ गई है। आम आदमी के लिए जरूरत पूरा करना मुश्किल हो गया है। खासतौर पर सब्जी की कीमत बढ़ने से गरीब परेशान है। बता दें कि डीजल पेट्रोल के दावों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाने से जहाँ किसानों को काफी दिक्कतें आने लगी हैं, वहीं दुकानदारों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। खासकर छोटे छोटे दुकानदारों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो जाने से जहाँ ट्रांसपोर्टरों में अपने भाड़े बढ़ा दिए हैं, तो वहीं जरूरी वस्तुओं के दाम में भी वृद्धि होने से आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा है। दुकानों पर सामान महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिसे लेकर ग्राहकों में असंतोष है। तो वहीं सब्जी के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से गरीबों की पहुंच से दूर हो रही है। बरसात के मौसम में जहां सब्जियां बारिश की भीड़ चढ़ गई, तो वहीं दूर दूर से आ रही सब्जियों के दामों में ट्रांसपोर्टरों की वजह से काफ़ी वृद्धि की जा चुकी है, जिससे यह सब्जियाँ गरीबों की पहुँच से दूर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां सब्जियां सस्ती है, वहीं मजदूरी कर पेट पालने वाले मजदूरों के लिए सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। इसी तरह क्षेत्र में खाने पीने की वस्तुओं पर डीजल के मूल्य वृद्धि होने से ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की वजह से जरूरी वस्तुओं पर दाम बढ़ाया गया है, जिस प्रकार ग्राहकों को काफ़ी नाराजगी है। चीनी दाल, रिफाइंड मैदा, बेसन तेल सभी वस्तुओं पर ट्रांसपोर्ट की वजह से भारी मूल्य वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार की बात सुनवाते हैं। क्या नाम भी आपका? चंदन। आपकी किसी की दुकान? मिठाई। ये जो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए, आपको सामान भी महंगा, उसके बारे में बताइए क्या है? महंगाई बहुत सीमा से बाहर है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो स्थिति दुकान की पहले थी वो रहने गई है। आप मौके पे पहले आप तेल मैदा और सामान कितने में लाते थे, आप कितने में लाते, कितना अंतर पड़ा है? बहुत अंतर। लगभग कितना अंतर है बताइए? अरे पहले 1150 रुपया टीना था, अब 22 रुपया टीना हो गया। रिफाइन मैदा जो है कि 800 रुपया बोरी था, अब 1150 रुपया बोरी हो गई। इसका कारण क्या है, क्यों ये सब हुआ? डीजल पेट्रोल बढ़ने की वजह से। तो इससे तो बहुत महंगाई, बहुत भार पड़ गया होगा सबको, गरीब को भी, आपको बहुत, भी सबको बहुत। आजमगढ़ के सगड़ी से खबर है जहां दर्श रामलीला समेत पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथोली के तत्वावधान में रामलीला की शुरुआत की गई, जिसका पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व बसपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने फिदा कार्ड का उद्घाटन किया।
इस दौरान दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम सभी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में एक राजा के पुत्र होते हुए भी अपने पिता के कहना को मान किस तरह से जंगलों में भटके, अपने भाइयों के प्रति कैसा स्नेह रहा, इन सब का आपके जीवन में अगर आप अनुसरण करते हैं तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वही रामलीला के आयोजक राम प्रधान अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आम जनता से अपील किया है कि आप सब शांति और सहयोग बनाए रखें और रामलीला का आनंद लें। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद यादव। अच्छा, संघ अध्यक्ष मारतारी। अच्छा, ये आज आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज हर साल की भांति कैथोलिक सर्विस पर जो हर साल होता है रामलीला का, मैं उस कार्यक्रम में हर साल आता हूँ और इस साल भी आने का सौभाग्य मुझे मिला। अच्छा, रामलीला के क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रामलीला एक बहुत पहले से एक संस्था बनी आई है, जब से राम जी का जो लीला है वो लगातार हर जगह हर संस्थाओं में होता है, हर कार्यक्रमों में जहाँ पर राम जी की झांकी निकलती है और सभी लोग एक वर्ग जात का नहीं सभी वर्ग के लोग इस रामलीला के आते हैं और अपना सद्भावना व्यतीत करते हैं। अच्छा, रामलीला को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? मुझे बस यही उम्मीद है कि ये जो रामलीला हर साल होती है, हर वर्ष होती है, उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे अभद्रता व्यतीत हो। मैं चाहूँगा कि समाज में सभी लोगों को एक अच्छा संदेश जाए रामलीला से और सभी लोग एकजुट होकर के समाज के प्रति जागरूकता पैदा करें। ठीक है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा जगदीशपुर में नवरात्र के दिन से मकारी माँ माता मंदिर गांव के सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसे आज जिला महासचिव और सगड़ी प्रभारी कांग्रेस नेता अजित राय मौके पर पहुंचे, जहां पर अजित राय का ओंकार पांडे और शुभम राय द्वारा अंग वस्त्रम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान अजित राय ने कहा कि काली माता का मंदिर हम लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है, हम सभी नवरात्र के पावन पर्व पर माता को सादर प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के निर्माण में मुझसे जो भी सहयोग होगा मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा, आगे मंदिर एक सुंदर मंदिर बने इसलिए मैं गांव क्षेत्र के लोगों से सहयोग करने की अपील भी करता हूं। परिचय भैया जी, हमारा नाम अजीत राय है, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़, सगड़ी विधानसभा का मैं प्रभारी हूं। अच्छा, आपके द्वारा जी किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया है, कौन से ग्राम सभा में? ये ग्राम सभा कोडरा है, ग्राम पंचायत कोडरा के ग्राम जगदीशपुर में। हम लोग यहाँ की पूजनीय माता रानी का जो ये स्थान था, यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है काली माता का, ये ग्राम देवी हैं और साथ में सबके साथ आरती किया गया और ये मनोकामना लेकर आरती किया गया कि आने वाले 2022 के चुनाव में बहन प्रियंका के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएं और ताकि समाज हित में देश हित में काम हो सके। और ये क्या है इसका उद्देश्य? हमारे गांव जगदीशपुर जी का काली माँ का मंदिर जो बहुत पुराना है, इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, इसमें आम जनता के सहयोग से, क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से और सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और सबसे पहले मैं इस अपने ग्राम जगदीशपुर में सर्वप्रथम श्री अजीत राय जो जिला महासचिव कांग्रेस के हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और इसके बाद अन्य लोग हैं जैसे सोनू राय ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, ओंकार तिवारी जी हैं जो उपाध्यक्ष जी कांग्रेस के हैं मंडल के, इन सबका हम प्रथम आगमन पर हार्दिक। खबर आजमगढ़ से है, जहां दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा शहर में पैदल भ्रमण कर नवरात्रि में बने पंडालों का निरीक्षण किया तथा पंडाल व्यवस्थापकों को यह सुझाव दिया कि रात्रि में पंडाल में समिति के सदस्य अवश्य मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि सिधारी पर विसर्जन को लेकर तैयारी कर ली गई है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पंडालों की सुरक्षा व मूर्ति विसर्जन को लेकर क्या कुछ कहा है। भ्रमण पे है, खासतौर पे त्यौहार को लेकर। देखिए, पूरे जनपद में जो देवी पंडाल हैं वो सज गए हैं, उसमें लोगों की आवागमन भक्तों का बढ़ गया है और चारों तरफ चहल पहल है, इसी को लेकर आज मेरे द्वारा शहर में फुल पेट्रोलिंग की गई और जो देवी पंडाल है उन्हें देखा गया, उनकी व्यवस्था देखी गई और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी थी उसके बारे में पंडाल के व्यवस्थापक हैं उन्हें बताया गया। विशेष रूप से ये भी बताया गया कि रात्रि में कोई ना कोई व्यक्ति पंडाल पर अवश्य रहे ताकि कोई ऐसी बात ना हो पाए जिससे कोई भ्रम की स्थिति पैदा रहे। इसके अलावा यहाँ पर दशहरा के अगले दिन से विसर्जन शुरू होता है, लगभग 20 दिन विसर्जन चलता रहता है। यहाँ पर शहर में जो हमारा
सिधारी है, वहाँ पर एक बड़ा पॉन्ड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, पानी उसमें भरा गया और लाइटिंग की अधिक व्यवस्था की गई, वहाँ सारी सारी शहर की मूर्ति विसर्जित होंगी। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में कल हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, हमने और डीएम साहब ने, जहाँ जहाँ मूर्ति विसर्जन का स्थल था वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए कहा है और आज सब जगह व्यवस्था हो गई है। अभी कल का दिन और हमारे कल और परसों का दिन और हमारे पास है, इन दो दिनों में बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेंगे और जितने भी पंडाल हैं और उनके आयोजक हैं उन्हें कोई असुविधा अपनी मूर्ति को ले जाकर विसर्जित करने में नहीं होगी। मेरा सभी से यह अनुरोध है कि जो व्यवस्था प्रशासन पुलिस द्वारा बनाई गई है उसी व्यवस्था के हिसाब से चलें, वहीं अपना विसर्जन करें ताकि वहां पर अरेंजमेंट होने से कोई दुर्घटना होने का भी कोई चांस ना रहे और सब लोग अपना त्यौहार ठीक से मनाकर वापस घर लौटें। विसर्जन को लेकर सर जब आते हैं जलूस आता है उसको लेकर आप कितना मुतमिन है कि जलूस से कोई दिक्कत ना हो, कोई इस तरीके का ट्रैफिक बाधा ना हो? देखिए सारी व्यवस्था पूरी तरह से बनाई गई है, कल ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बात हुई, कहाँ से डाइवर्जन होगा, कैसे होगा और हर छोटे छोटे बिंदु पे कल बात हुई है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और ड्यूटी लगाई गई है और बहुत अच्छा इस बार विसर्जन होगा और कोई हमें लगता है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी जो इस जनपद पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करेगी। ठीक सर, थैंक यू। आजमगढ़ से खबर है जहां महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति 3 के अंतर्गत स्वावलंबन कैंप का आयोजन हुआ है। बता दें कि इस अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र के जिला समन्वयक अनु सिंह ने बताया कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित विधवा महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, दहेज से पीड़ित महिलाओं का कानूनी व आर्थिक सहायता योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य आज संचालित की गई है, उसका लाभ उठाएं और अपने आसपास की महिलाओं को भी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 एम्बुलेंस सेवा तथा 108 एम्बुलेंस सेवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। सगड़ी विधानसभा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सगड़ी के प्रांगण में आज बहुजन समाज पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने पूर्व महापुरुषों के नाम पार्क व स्मारक बनाने का काम किया जो विरोधियों को अच्छा नहीं लगा। समाजवादी सरकार समाज की नहीं बल्कि परिवार की पार्टी है। मुसलमानों को आरक्षण, नौजवानों को नौकरी देने, किसानों का कर्जा माफ का वादा किया था जिसको पूरा नहीं कर पाई। बहुजन समाज पार्टी सरकार किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारों की है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, किसान हो या पत्रकार, कोई सुरक्षित नहीं है, महंगाई बेलगाम है। और क्या कुछ कहा सुनते हैं, कहना चाहेंगे आम जनता? सबसे पहले तो मैं बहन मायावती जी को वंदन अभिनंदन सब करता हूँ, इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, स्नेह दिया है और जनता को बधाई दूंगा, उनका ऋणी हूँ। इन्होंने एक मेरे कहने पर सभी लोग गांव दूर दराज के गांव से निकल करके तहसील सगड़ी पहुंचे हैं, मेरी बात को सुने, मेरे मुख्य अतिथि माननीय राइन जी के बात को सुने, हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के माननीय गौतम जी की बातों को सुना और सुनकर के इन लोगों सबको मैं ढेर सारी बधाई दूंगा, अभिनंदन वंदन करता हूं, इन लोगों का ऋणी हूं। और अगर जनता मेरे पर विश्वास जताती है तो 2022 में बहन मायावती जी के लिए अपने तो अपने अगल बगल के भी विधायकों पर दबाव दे करके हाथ मिलाकर प्रेम से उनको लाने की कोशिश करूंगा और बहन जी का 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और जो भी यहाँ की जनता के लिए मेरे से बनेगा मैं उनको करके दिखाऊंगा ताकि उनके सीना चौड़ा रहे कि इस बार जो मैंने मत दिया है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, स्वयं सदुपयोग कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए आज के कार्यक्रम आपने देख लिया है, संदेश लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर आए थे यहाँ। शंकर यादव जी को प्रभारी विधानसभा सगड़ी का बनाया गया है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, इन्हीं को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। है 2022 के चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव? मुद्दे तो अनेक हैंगे, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को बेरोजगारी हो रही, नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, हर धर्म हर जाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इतने मुद्दे देख रहे हैं, जो बीजेपी कह रही
के अपराधियों को मार रहे हैं, मुझे तो अपराधी कम अपने राजनीतिक विरोधियों को ज़्यादा निपटाने का काम कर रहे हैं। आप डेली ट्वीट पढ़ते हैं, जब पत्रकारों पर अत्याचार होता है, पत्रकार बलियों में पिटते हैं, मारे जाते हैं, तो सबसे पहले ट्वीट कौन करता है? सबसे पहले ट्वीट वो करती बहन कुमारी मायावती जी। आप बताओ, आज 11 महीने से किसान सड़कों पर बैठा आएगा, ये अहंकारी सरकार किस तरीके की सुनवाई कर रही, जरा आप देख लो। महंगाई की और आजमगढ़ से खबर है, जहां पर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी द्वारा आज जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पैकेज 5 का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने पैकेज 5 के मीटिंग हाल में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। श्री अवस्थी ने अपने अधिकारियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश आजाद भगत सिंह, यूपीडा के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली जैनपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक लूट करने वाले दो अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है, तो वहीं उसके पास से लूट का ट्रक भी बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं मानसित वारंटी नामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी से चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना जैनपुर दिनेश कुमार यादव महमरा द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन करते हुए कस्बा जैनपुर मौजूद थे कि वहीं दूरभाष से सूचना मिली और पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। तो वहीं मेहनाजपुर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक नफर वांछित अभियुक्त रामवृक्ष गौड़ उर्फ बौड़म पुत्र स्वर्गीय मनय गौड़ ग्राम जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जैनपुर पुलिस ने वाहन व मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, साथ ही दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना कोतवाली जैनपुर ने वाहन व मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की 4 अदद मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वारंटी इनामी है अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषय चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत जैनपुर पुलिस ने हासिल की है। आजमगढ़ से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निजामाबाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि चोरी करने वाले 3 अभियुक्त चोरी के सामान और चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें रोशन यादव पुत्र सुरेश यादव साकिंग सिमरा थाना निजामाबाद आजमगढ़ को खुद के भट्ठे से नल के सामान की चोरी हो जाने के संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के तहत आज निजामाबाद पुलिस ने इन 3 अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज थाना फूलपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एसपी के निर्देश पर फूलपुर पुलिस ने अपने मिश्रित शराब के साथ दो अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार किया है, तो वही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर फूलपुर पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, साथ ही गैंगस्टर एक संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस तरह फूलपुर पुलिस ने आज अपनी कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया है। सिलसिलेवार आपको बता दें कि कौन कौन थाने की पुलिस ने किस किस क्षेत्र में जाकर के मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया है और लोगों को जागरूक किया है, तो ध्यान से सुने। थाना सिधारी पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जाकर मिशन शक्ति कक्ष में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो थाना तरवा पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव पंचायतों भवनों में चौपाल आकर और मुबारकपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम मेघापुर में थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों भवनों में जाकर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम विभिन्न स्थानों तिराव चौराहों पर जाकर, तो वहीं थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बाजारों में तिराहों चौराहों पर, बिलरियागंज पुलिस ने भी अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवा बिंधवल में और थाना अरोला पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर जाकर मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया।
इसी प्रकार जनपद के समस्त थानों द्वारा किए गए जागरूकता मिशन के अंतर्गत 3,905 लोगों को जागरूक किया गया है। आजमगढ़ से खबर है जहां आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के अधिसूचित जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में वेलेसा स्थित FCI के गोदाम में EVM की फर्स्ट लैब चेकिंग चल रही है, जिसका जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के नामित इंजीनियरों व चकबंदी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को सावधानीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने भी निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में शीघ्रतापूर्वक कार्य संपन्न किया जाए। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील किया कि FLC के समय उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। आजमगढ़ में वर्ल्ड स्टाइल डांस क्रू के तत्वावधान में गुरुवार को हीरापट्टी स्थित RD गार्डन में इंडिया उत्सव नृत्य का आयोजन किया गया। इस इंडिया नृत्य में डांस एकेडमी के अलावा शहर के अन्य संस्थाओं के बच्चों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया और गानों पर नृत्य कर मनमोहक प्रस्तुति दी। वर्ल्ड स्टाइल डांस क्रू द्वारा आयोजित डांडिया उत्सव में विभव कुमार, कमलेश चौहान, आशीष जीतू चौहान, अमित यादव, नंदनी चौहान, करण सोनकर सहित तमाम लोगों की प्रस्तुतियों से सम्मान मनमोह लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी मिश्रा और संचालन सुनीलदत्त विश्वकर्मा ने किया। इसके बाद संरक्षक मंडल ने हुनर संस्थान के सुनीलदत्त विश्वकर्मा, रिदम डांस एकेडमी के अंबुज कुमार, भविष्य दीप कला केंद्र के शरद गुप्ता, तपस्या क्रिएटिव स्कूल के मनन पांडे व RDI के सौरभ चौधरी को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से खबर है जहां SP के निर्देश पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। बता दें कि थाना रोहनिया पुलिस ने फर्जी नंबर के ट्रक में लदे 440 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ राजस्थान के रहने वाले अभियुक्त बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया है। तो वहीं रोहनिया पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में फर्जी नंबर की DCM गाड़ी में लदे 152 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ हरियाणा के रहने वाले अभियुक्त रविंद्र बलराज को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है।